Up next, viewers, we're getting you some breaking updates from the poll-bound state of Uttarakhand, where now Congress suffers a big blow because now the Congress state Mahila chief Sarita Arya has also joined the BJP. A series of setbacks that we have seen for the Congress party from several poll-bound states, including that of Punjab, UP, and now Uttarakhand, where the Congress state Mahila chief, in fact, has joined the BJP. Just 2 days back, we had seen several Congress MLAs who had also joined the Bharatiya Janata Party. And now from the poll-bound state of Uttarakhand, we see that the state chief for the Congress of the Women's Wing, Sarita Arya, is also joining the BJP. There are several political reactions that are pouring in on this big story. Let's listen into those. भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने मेरी पीड़ा को सुना और मैंने जिस तरह से अपनी पीड़ा को जाहिर किया था कि देखिए यशपाल आर्या जी और उनका बेटा जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे तो हम दो महिलाएं प्रभावित हुई हैं वहां। मैं नैनीताल से पूर्व विधायक भी हूं, मैंने 17 में भी चुनाव लड़ा और सुनीता बाजवा ने भी मैं काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, विधायक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए और महिलाओं के लिए संघर्ष करती रही हैं और उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं के लिए जो करना चाहती थी कांग्रेस उसको करने नहीं देती। उन्होंने पूरी तरह से महिलाओं को वहाँ पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं, महिला क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में काम करेंगी, उनके आने से हमारी पार्टी को फायदा होगा, हर जगह हमारी पहुँच होगी, हम उनका स्वागत करते हैं। नैनीताल सीट पर मजबूती मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप से, अभी तो वो बिना शर्त आई है लेकिन आगे सभी जगह मिलेगी, नैनीताल समेत सभी जगह। बीजेपी ज्वाइनिंग करी है, किस शर्त में की? देखिए, शर्त कोई नहीं थी, मुझे अपने आप पे बहुत गिलानी हो रही थी कि मैं एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं की टिकट नहीं दिलवा पा रही थी, ना अपना टिकट करवा पा रही थी। तो मेरी जो व्यथा है भारतीय जनता पार्टी ने सुना, जो मैंने आप लोगों के माध्यम से सबको बताया, मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ का जो नारा माननीय प्रियंका गांधी जी ने हमको दिया, उसको हमने कहा था कि 40 नहीं तो यहाँ 20% आप महिलाओं को टिकट दीजिए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, ना मुझे आश्वासन दिया गया, बस सम्मानित करें, सम्मान देंगे, सम्मान देंगे। देखिए, सम्मान तो हमको वैसी है, मैं एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज मुझे भी दुख है कि मैं कांग्रेस छोड़ के आई हूँ, मुझे कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया, मैं उसकी शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन मैं आज जिस उससे आज इन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सीएम साहब ने और शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी ने, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और प्रहलाद जोशी जी, निशंक जी, सभी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मेरे से कहा कि आपका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, तो इसी सत पे मैं आई हूँ कि यहाँ पे हमारा सम्मान होगा। मेरे साथ मेरी महिलाएं भी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ यहाँ पर आकर इस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और मैं बिना शर्त आई हूँ। देखिए, सम्मान करना पार्टी का काम है और पार्टी क्या सम्मान मेरा करती है ये मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं बिना शर्त आई हूँ और सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। चुनाव में आपको टिकट मिलता है नैनीताल से ही, क्या फाइट करोगी? जी बिल्कुल, फाइट करूंगी, अगर मिलता है तो मैं जरूर फाइट करूंगी। मैं अपने यहाँ देखिए, यशपाल आर्या जी जब उन्होंने स्वार्थ, पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर उसके बाद कांग्रेस में आए, तो वो तो इतना बड़ा चेहरा है, वो आके कह सकता था कि कह सकते थे यशपाल आर्या जी कि मेरे और मेरे पुत्र के आने से दो महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावित हो रही हैं, तो हमको जो आज तक कोई सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस ने, वहां हमें भेजिए, तो उनका कद और बढ़ जाता और हम महिलाओं का भी सम्मान होता। लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा और जिसे आज मेरी व्यथा भारतीय जनता पार्टी ने सुनी
और मुझे यहाँ पर कहा कि बहन जी आपका मान सम्मान होगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ महिलाओं से कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। यहाँ एक भावना पांडे जी हैं जिन्होंने जनता कैबिनेट एक पार्टी बनाई हुई है, वो महिलाओं के ऊपर बहुत कार्य कर रही है और महिलाओं को टिकट देने के लिए भी तत्पर रहती है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि नई पार्टी है, आप बहनें उसको ज्वाइन करिए और अपना मान सम्मान बढ़ाइए, और जो भी पार्टी आपको टिकट देती है आप वहाँ जाइए। Well, a massive statement now coming in, viewers, from Sarita Arya, the Congress state former Congress state Mahila chief, in fact claiming that there was not enough importance that was given to women, not a lot of women candidates also that were given tickets by the Congress party, which is why she has been disappointed, which is why in fact she has joined the BJP, and the BJP has in fact assured her that there will be more women candidates that will be given tickets. We will keep tracking that mega story coming in from the poll-bound state of Uttarakhand very closely.